नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। खतरनाक लंपी वायरस की घेराबंदी को तैयार, यूपी सरकार अपनाएगी मलेशियन मॉडल। बिहार में सेब की खेती राज्य सरकार के प्रयासों से सवर सकती है किसानों की जिंदगी। किसानों को खुले बाजारों में अधिक मिलते हैं फसलों के दाम, ई ट्रेडिंग के नाम पर मंडियां बंद करने की हो रही साजिश। महंगा हुआ चावल का निर्यात, केंद्र ने विभिन्न ग्रेड के चावल पर लगाया 20% टैक्स। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया शोक। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके के शीश महल में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फिर अचानक वह बिल्डिंग गिर गई। बता दें, मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं 5 से 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बिल्डिंग के गिरने की कॉल सुबह 8:50 पर मिली थी, इसके बाद तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई। फिर सुबह करीब 9:30 बजे ADO रविंद्र ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके साथ ही 6 से 7 लोग मलबे में दबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लंपी वायरस से गायों की मौत दर्ज की जा रही है। तेजी से फैल रहे इस वायरस की घेराबंदी के लिए अब योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। योगी सरकार ने पीलीभीत से इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट के जरिए लंपी वायरस को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया है। 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इम्यून बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही बता दें, इससे पहले मलेशिया में भी इस तरह का प्रयोग किया जा चुका है। अब तक हम यही जानते आए हैं कि सेब ठंडे प्रदेशों में होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश या कश्मीर, लेकिन बिहार में भी इसकी खेती शुरू हो गई है। इस बात ने सब लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बेगूसराय जिले में सेब की खेती शुरू हो गई है। बिहार सरकार भी अपने स्तर से इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है। देश के जाने माने फल वैज्ञानिक एसके सिंह ने बिहार में सेब की खेती को लेकर किसानों की उत्सुकता पर बात करते हुए बताया कि ये बिहार के स्थानीय किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन अब सामान्य गति से सेब की खेती आगे बढ़ रही है। बिहार सरकार के सहयोग से किसान भी अब आगे आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने केंद्र व हरियाणा सरकार पर किसान और व्यापारियों के बीच संबंध खराब करके मंडियों को बंद करवाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा है कि किसान व एजेंट्स का चोली दामन का साथ है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान की हर फसल ई ट्रेडिंग के माध्यम से खरीद करने की बात कर रही है, जो सरासर गलत है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को खुले बाजारों में उनकी फसल के दाम ज्यादा मिलते हैं। भारत से अब चावल का एक्सपोर्ट महंगा हो गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रीमियम बासमती किस्म को छोड़कर चावल के अलग अलग ग्रेड के निर्यात पर 20% टैक्स लगाया गया है। देश में चावल की कीमतों में 20% ऐसे समय में बढ़ाया गया है जब इस साल खराब मॉनसून के कारण पैदावार में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। इसके कारण दुनिया के सबसे बड़े चावल विक्रेता देश होने के बाद भी इस साल देश में खरीफ धान का कम उत्पादन होने की उम्मीद है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का गुरुवार यानी कल रात को 96 साल की आयु में निधन हो गया है। एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड के बेलमोरल महल में अंतिम सांस ली। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि
महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारी समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूँ। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। यह इससे बेहतर नहीं हो सकता कि कृषि रसायन उद्योग का थिंक टैंक आज सतत कृषि में फसल सुरक्षा रसायनों की भूमिका पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर एक साथ आया। आज ललित में हुई एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5वीं वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए पूर्व डीजी आईसीएआर त्रिलोचन महापात्र ने कहा, तो ये जो सारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे और एक्सपर्ट्स रहे और ये जो पॉइंट्स उभर कर आए हैं कि नए मॉलिक्यूल्स, नए टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल होना चाहिए देश में, अगर नहीं है जहाँ भी है उसको इंट्रोड्यूस करके उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि हम कम से कम खर्चे में कम से कम केमिकल इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट पाए, सेफ मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर सकें ताकि पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे और एंड यूजर्स विशेष रूप में किसान और बाकी जो लोग इसका स्प्रे करते हैं उनका भी कोई हानि ना हो। दीप प्रज्वलित करने के साथ शुरू हुए दिग्गजों ने कृषि में स्थिरता के विषय पर एक एक करके बात की। When we want to talk about protecting crops for sustainability, we need to appreciate that we have to be ecosystem oriented, and in the light of protection of crops we must recognize that there are different kinds of pests. Many a time we look at this plant protection or animal protection in a partial way, and I think that's the basic folly. So if we talk about plant protection as a pest associated, today we are increasingly seeing the multiple effects from multiple sources. जिसमें धानुका के आरजी अग्रवाल, सेफेक्स के एसके चौधरी, कृषि रसायन एक्सपोर्ट के अतुल चुरीवाल, पीआई के आरडी कपूर जैसे शीर्ष उद्यमी भी शामिल हुए। वहीं जब एफएमसी कॉरपोरेशन के राजू कपूर से जब ये पूछा गया कि वे चर्चा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, One thing is very clear that the interest of all stakeholders have to be one common, and the common interest is that the farmer's prosperity must grow, his sustainability must grow. The sustainability of agriculture production system, the entire ecosystem must grow, and towards that direction what all is required from a policy angle, from a regulatory angle, from a technology angle, from an innovation angle, etc., and from a stewardship angle, I think all those elements need to become a common denominator for all of us in the industry to contribute to farmer welfare. वहीं अंकुर अग्रवाल क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के एमडी उद्योग को सकारात्मक रहने की आवश्यकता पर जोर दे रही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। The message is only that it's a very positive time. We all should continue to give new technology to the farmer, and I'm sure we will have great results. So on all the members of ACFI are fully committed towards sustainability of the agriculture. साथ ही ACFI के अध्यक्ष परिशिक्षित मुंद्रा, जिन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व किया और एक ही स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हासिल की, उन्होंने अपनी बात को साझा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उद्योग सही रास्ते पर जा रहा है। The association has been active in promoting judicious and proper use of agrochemicals, and in this regard we had launched the Jago Kisan Jago campaign in northern part of the country. Day after tomorrow, that is on 11th September, ACFI is again
with Shri Nitin Gadkari sir at Nagpur. We are launching five campaign vans which would run around the cotton belt of Maharashtra and for the full month. And you know, it has been a huge success, a huge campaign for us. We did it on a trial basis, and it would not have been possible without the advice and guidance of Shri R.P. Sharma. दिल्ली में इस महीने यानी सितंबर में बारिश की कमी देखी जा रही है। इस वजह से यहाँ उमस वाली गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने का काम कर रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार दिनों तक यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद यहाँ रिमझिम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आज यहाँ का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि पूसा किरण डैश की एक किस्म है, और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 दालें, नंबर 3 कपास, नंबर 4 चावल। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।